श्री कृष्ण, जय माता जी की। मैं आज बना रही हूँ आलू पनीर के कबाब। तो देखिए, मैंने आलू तीन अच्छे से पका के कद्दूकस कर दिया, छिलका निकाल के। ये सब रेडी रखते हैं तो जल्दी हो जाता है। और जब भी कबाब बनाए उसके 2 घंटे पहले आलू कद्दूकस कर लेना, क्योंकि ये पानी वाला थोड़ा कम रहेगा तो एकदम अच्छे से हो गया, आटा कम जाएगा। तो देखिए, मैंने आलू रेडी कर दिए हैं। मैंने पनीर का बड़ा बड़ा टुकड़ा करके लिए, अनारदाना थोड़ा लिए, मिर्ची की पेस्ट है, अदरक लहसुन की पेस्ट है, कसूरी मेथी है, और तीखी वाली मिर्ची है, हरी और रेड, और ये धनिया है। जो जो मसाले डालूंगी वो पूरा आपको दिखाऊंगी। मित्रों, तो एकदम फैंसी और टेस्टी डिश होगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना। आपके लिए रोज रोज लेके आऊंगी कुछ कुछ नया नया। आलू को मैंने कद्दूकस करके रखे हैं। ये मिर्ची डाल दूंगी। आपके घर पे छोटे बच्चे हो तो मिर्ची मत डालना, कम डालना। देखिए, ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही सुपर टेस्ट आएगा, और आलू है तो गैस भी नहीं होगा। ये डाल दिया मैंने कसूरी मेथी। ये तीखी वाली मिर्ची की पेस्ट 1 चम्मच, अदरक लहसुन की पेस्ट, स्वाद के हिसाब से डालेंगे नमक, थोड़ा सा डाल दूंगी, ओरिगानो, थोड़ा सा ओरिगानो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। खाने में एकदम शौकीन और चटपटे हो इसके लिए ये डिश है। एक बार जरूर से बनाना, आपको खाने में शौक हो तो। देखिए, मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप आर आलू भी डाल सकते हो, और धनिया बाकी है हरा तो वो धनिया डाल देंगे। थोड़ी सी हींग भी डालेंगे, हींग डालने से गैस नहीं होगा। अच्छे से हाथों से मिला देंगे और बढ़िया सा एक डो रेडी कर देंगे। आलू पहले से पका के छिलका निकाल के कद्दूकस करके रखोगे तो ये कॉर्नफ्लोर कम डालना पड़ेगा। अच्छे से मिला देंगे। 1 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर में डो हमारा रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल के चिकना कर देंगे। थोड़ा सा मैंने तेल डाला है। तेल के अंदर आटे को अच्छे से मिला देंगे, हाथों में चिपकेगा नहीं और अच्छे से कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे। तो पहले करते हैं हाथ को वॉश। देखिए, रेडी। हाथ को वॉश करते हैं। हाथ वॉश कर लिए हैं, कबाब बनाने की तैयारी करेंगे। ऐसे कर देना है खड्डा। इसके बाद इसके अंदर जाएगा पनीर, थोड़ा सा अनारदाना हमें करना है, ये सील, कबाब हो गया रेडी। सारे कबाब में से बना दूंगी। बीच में थोड़ा सा अनारदाना और पनीर का टुकड़ा डाल के सारे ऐसे रेडी बना देंगे। सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। तो मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा पानी डालूंगी, बढ़िया से पेस्ट बना देंगे पतला एकदम। मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गरम रखा है, तेल हमारा अच्छे से गरम हो रहा है। ये बारीक वाली सेव आती है हरमी से, वो लिया है मैंने। और ये हमारा
कॉर्नफ्लोर वाला पानी, तो पानी के अंदर हम कबाब को डालेंगे, इसे सीव के अंदर घुमा के ले लेंगे। ये हो गया रेडी। दूसरा भी एक आपको दिखाएंगे। सारे हम ऐसे बना देंगे, एक एक करके तेल के अंदर डाल देंगे। मैं पहले चार नमक डालूंगी। एक एक करके उल्टाएंगे। ये खाने में एकदम बेस्ट लगता है और ये फाइव स्टार होटल की डिश है। फाइव स्टार होटल में तो एकदम बहुत महंगी आती है, ये चार पीस का 200 रुपया ले लेते हैं, लेकिन हमारे घर पे एकदम कम खर्चे में बन के रेडी हो जाती है। एक बार जरूर से ट्राई करना, घर पे एकदम अच्छे से पूरा परिवार के साथ खा सकोगे आप। बहुत ही बढ़िया तल के रेडी हो चुके हैं, तो हम एक एक नम करके बाहर निकाल देंगे। देखिए दो भी निकल सकते हो, मेरे पास जारा थोड़ा छोटा लिया है मैंने, इसीलिए मैंने एक निकाला पहले। लो जी, एकदम फाइव स्टार होटल की डिश बन के घर पे रेडी हो चुका है। चलिए बहुत बढ़िया सजाते हैं। बड़ी सी थाली ली है, इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी ये खट्टी मीठी ग्रीन चटनी, ये तिखी तिखी मिर्ची वाली लच्छा प्याज, और ये अनारदाना का दही, अनारदाने वाला। मैंने बढ़िया सा सजा के रख दिया है, आप चाहो तो मेयोनीज वगैरह भी लगा के सजा सकते हो, लेकिन मैं एक एक सिर्फ अनार का दाना लगाऊंगी। बहुत ही सुपर और एकदम हेल्दी डिश मैंने बना के एकदम सजा दी है। आप देख सकते हो कि अनार दाने से कबाब का गार्निशिंग करने से एकदम खूबसूरती बढ़ गई है। मित्र, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना, वीडियो बड़ी है लेकिन पूरी ध्यान से देखना तो आपको वीडियो बनाने में मजा आएगी, एकदम आसानी से आप बना सकोगे। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।